देखिए स्टूडेंट, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दो डिग्री एक साथ यूज करनी हो तो आप कैसे करेंगे? स्टूडेंट, एंड के पहले भी आपकी पॉजिटिव डिग्री और एंड के बाद भी आपकी पॉजिटिव डिग्री। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप एंड के साथ कोई भी दो डिग्री यूज करना चाहती हैं तो वो डिग्री इक्वल रैंक वाली होनी चाहिए। या तो वो दोनों पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, या तो वो दोनों होनी चाहिए आपकी कंपैरेटिव डिग्री, या फिर वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि एंड के पहले तो आप यूज करेंगे पॉजिटिव और एंड के बाद आप करेंगे कंपैरेटिव, ऐसा नहीं होगा। आप जो भी यूज करेंगे एक ही डिग्री को पहले और बाद में यूज करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे स्टूडेंट ही इज, यहां पर लिखा है ए ऑप्शन में टॉल एंड वाइज, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है और ये भी आपकी पॉजिटिव डिग्री है स्टूडेंट, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है और ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। अब हमें इस ऑप्शन में देखना है कि इक्वल रैंक की डिग्रीज कौन से ऑप्शन में प्रयोग की गई हैं। तो यहां पर स्टूडेंट टॉल एंड वाइज, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, तो अपना आंसर ए होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक इसी प्रकार अगर किसी भी सेंटेंस में हमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे बॉय आया हुआ है तो मैंने यहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है, क्योंकि जब हम एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं और वहां पे सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग होती है तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज द वाइजेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय, दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, इसमें कोई किसी प्रकार की गलती या एरर नहीं है। कैसे? क्योंकि यहां पे एंड के पहले भी सुपरलेटिव डिग्री है और एंड के बाद में भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और चूंकि यहां पे नाउन आया हुआ है तो आपने यहां पे द आर्टिकल को भी यूज किया है। हाँ, अगर यहां पे नाउन ना आता तो फिर मैं यहां पे द का प्रयोग नहीं करता, ये आपको पता है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, कंपैरेटिव डिग्री एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री, एंड के पहले भी कंपैरेटिव है और एंड के बाद में भी कंपैरेटिव है, तो स्टूडेंट हमें यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ही इज गेटिंग रिच एंड रिच, अब देखिएगा स्टूडेंट यहां पे ऑप्शन में लिखा है, मैं यहां पे रिचर कर देता हूं, ही इज गेटिंग रिचर एंड रिचर, रिच एंड रिचेस्ट, तो देखिएगा स्टूडेंट यहां पर ये तो पॉजिटिव डिग्री है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, ये तो दोनों अलग हो गई, ये तो यूज नहीं हम कर सकते, और ये तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, और ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें दोनों ही डिग्री इक्वल रैंक की है? तो वो ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा बी, ही इज गेटिंग रिचर एंड रिचर, मतलब वह अमीर होता जा रहा है, तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। कभी भी स्टूडेंट ऐसा हो जाए, एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के आप यहां पे पॉइंट लिख लीजिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो डिग्री होती है, एक तो ईएसटी वाली डिग्री होती है सुपरलेटिव और एक हमारी मोस्ट वाली होती है, तो याद रखिएगा अगर कभी एंड के साथ में आपको ईएसटी वाली डिग्री लगानी हो तो ठीक है, आप ईएसटी वाली तो आप दोनों एंड के साथ लगा सकते हैं, मगर अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने यहां पर एक डिग्री यूज की है टॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट, आप ध्यान दीजिएगा, तो ठीक है ये तो हमारी डिग्री बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर भी तो बाद में ईएसटी आया है, यहां पर भी ईएसटी आया है, तो इस कंडीशन में तो या पहले आप वाइजेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आप टॉलेस्ट भी यूज कर सकते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि अगर स्टूडेंट किसी डिग्री में आपका मोस्ट वर्ड आया हुआ है और एक आपकी डिग्री मोस्ट वाली है और एक आपकी सुपरलेटिव डिग्री आपकी ईएसटी वाली है, तो मोस्ट वाली जो डिग्री होगी स्टूडेंट उसको हमेशा एंड से पहले यूज किया जाएगा। पॉइंट टू नॉट इट, तो ये संडे बनेगा आपका, ही इज द मोस्ट हैंडसम एंड वाइजेस्ट, ऐसा कभी नहीं होगा, ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम बॉय, तो चूंकि मैं यहां पे बॉय लगाऊंगा, बॉय लगाने का रीजन आप जान गए होंगे स्टूडेंट, क्योंकि मैंने यहां पे द आर्टिकल लगाया हुआ है, अगर मैं यहां पर नाउन नहीं लगाऊंगा तो मुझे यहां से द को भी हटाना पड़ेगा। ही इज द मोस्ट हैंडसम एंड वाइजेस्ट बॉय, दोबारा समझेंगे मेरी बात, अगर किसी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है, एक उसमें मोस्ट वाली है और एक आपकी ईएसटी वाली है,
तो मोस्ट वाली सुपरलेटिव डिग्री को हमेशा एंड के पहले प्रयोग किया जाएगा और ईएसटी वाली को एंड के बाद प्रयोग किया जाएगा। और अगर वहां पे नाउन होगा तो द आर्टिकल लगेगा, अगर नाउन नहीं होगा तो आप वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट डिग्री को हम किस तरीके से दूसरी डिग्री में चेंज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाना, यहां से आपकी परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहने वाला है, आइए शुरू करते हैं डिग्री को चेंज करने के लिए।